क्या आप नया हो एक्वेरियम में? क्या आप सोच रहे हो कि एक्वेरियम को आप घर पे लेके तो आए, बट उसके लिए डेकोरेटिव आइटम्स क्या होना चाहिए? ऐसा डेकोरेटिव आइटम्स होना चाहिए जो आपके बजट में भी आए एंड फिश टैंक के लिए वो सही हो, फिश टैंक का जो पीएच है, जो वाटर का जो एनवायरमेंट है वो भी सही रहे। क्या आप ये सब सोच रहे हो? तो ये वीडियो, आज के वीडियो आपके लिए है। मैं कुछ नेचुरल एंड अफोर्डेबल चीजों के बारे में आज बात करने वाली हूँ, जो इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा एंड आपके बजट में आएगा। एंड सबसे बड़ी बात जो है, नेचुरल होगा, उसके साथ साथ आपका जो टैंक है उसका जो पीएच एनवायरनमेंट है उसको खराब भी नहीं करेगा। आप आग बंद करके वो सब चीजों को यूज कर सकते हो, जिसको यूज करने के बाद आपका जो टैंक है उसका जो व्यू है बहुत अच्छा हो जाएगा, लाइक कुछ ऐसा दिखेगा एंड 100% नेचुरल चीजों से होगा। तो चलो चल के देखते हैं कि आज कौन सी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट रहेगा ब्लैक स्टोन। ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा, नेचुरल है, पीएच को भी मेंटेन करेगा, आपके फिश को हार्म नहीं करेगा, बहुत अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हो इसके साथ। अगर आप कोस्टल में रहते हो सी स्टोन बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इजी अवेलेबल भी होगा। नहीं रहते हो तो भी मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारे एक्वास्केपर्स इसको सेकेंड हैंड सेल करते हैं, उससे भी ले सकते हो। बहुत अच्छे से क्लीन करके आप इसको यूज करो, बहुत अच्छा रहेगा ये आपके फिश टैंक के लिए। माई ऑल टाइम फेवरेट इज एक्वेरियम प्लांट्स। ये बहुत अच्छा होता है आपके फिश के लिए, फिश को बहुत हेल्दी रखता है, एक्वेरियम को बहुत हेल्दी रखता है। मैं खुद यूज करती हूँ मेरे टैंक में। मैं एक दिन आपको डिस्क्राइब कर दूंगी क्या क्या प्लांट्स मैं यूज करती हूँ, कौन सा प्लांट है। एंड ये बहुत लो टेक प्लांट्स है, आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा डेकोरेशन भी हो जाएगा आपका। एंड दीज ऑल आर चीप प्लांट्स, ये बहुत कॉस्टली नहीं रहेगा बिगनर के लिए। नेक्स्ट वन इज क्ले पॉट। इसको आपको ये मिल जाएगा पॉटरी में, चाय की दुकान में, बंगाल में स्वीट शॉप में बहुत अच्छे से मिलता है हमारे यहाँ। बट अगर नहीं भी मिला तो भी आपको पॉटरी में मिल जाएगा, बहुत चीप है। इसको आप बहुत अच्छे से हाइडिंग प्लेस फिश के लिए इसको लेके बना सकते हो एंड बहुत अच्छा डेकोरेशन भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ड्रिफ्ट वुड। ये थोड़ा कॉस्टली होता है बट इजीली अवेलेबल होता है। एंड अगर आपको ज़्यादा कॉस्टली लगे तो आप DIY कर सकते हो इसको यूट्यूब में वीडियो देख के, अदरवाइज आपको लोकल कहीं पे प्लांट काट रहा है वहाँ पे मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वन इज एक्वेरियम सैंड। ये बहुत अच्छा काम करता है प्लांट्स के लिए। ऐसा नहीं आपको व्हाइट सैंड ही लेना पड़ेगा, मार्केट जाओगे आपको सब बोलेगा व्हाइट सैंड बहुत पोटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो सैंड आपको मिल जाएगा इजीली एंड चीप कॉस्ट में, वो भी सेम काम करेगा जैसा व्हाइट सैंड काम करेगा। नेक्स्ट वन इज रॉक्स। ये आपको रेल लाइन के आसपास भी मिल जाएगा एंड जो सेकेंड हैंड सेल करते हैं उससे भी आपको मिल जाएगा एंड बहुत सारे मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अगर आप चाहते हो इसको DIY करके आप कलर भी कर सकते हो। ये था आज का मेरा वीडियो, आई होप आप सबने एंजॉय किया। तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया, कौन सा नेचुरल आइटम है जिसको मैंने मिस किया, उसको मेंशन करो कमेंट सेक्शन में। ये भी बताओ कि आप आपके टैंक में कौन सी डेकोरेटिव आइटम्स यूज कर रहे हो अभी।